आज के समय में प्रत्येक अभिभावक चाहता है कि उसका बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करे। विदेश पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले IELTS, PTE या फिर वीज़ा लेने के लिए एक कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए सभी स्टूडेंट्स तकरीबन इस खोज में रहते हैं कि किस कंसल्टेंट्स के पास जाकर वो IELTS या PTE की स्टडी करें। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए अम्बाला में अभी चैतन्य कैरियर कंसल्टेंट्स की नई ब्रांच खुल चुकी है, जिसके माध्यम से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे और अब्रॉड जाकर स्टडी करके अपना जो भविष्य है उसे पूरी तरह से सेटल कर पाएंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चैतन्य कैरियर कंसल्टेंट्स के MD अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक जी, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। धन्यवाद सर। अम्बाला में आपने बहुत बड़ा एक कदम बढ़ाया है, नई ब्रांच खोली है और एक अम्बाला और इसके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं इनके सपनों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद सर। अम्बाला से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और चैतन्य के पास अम्बाला और अम्बाला के आसपास के 100 से अधिक गाँवों से ऑलरेडी हमने हज़ारों स्टूडेंट का भविष्य सुधारने के लिए बाहर भेजा है और इसी कड़ी में हमने इस ब्रांच को जो हमने मॉडल टाउन अम्बाला सिटी में स्टार्ट की है, ताकि हम बच्चों के और नज़दीक आकर, उनके पेरेंट्स के नज़दीक आकर उनको और हेल्प कर सकें, उनको और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अभिषेक जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्बाला और इसके आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से स्टूडेंट्स यहां पहुंच के अपना IELTS और PTE या अदर्स जो इतने भी आपके कोर्सेज हैं वो यहां उसके रिगार्डिंग पढ़ाई कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आप इन स्टूडेंट को प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपना जो भविष्य है, जो कैरियर है, उसे बना सकें? पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा से चैतन्य लोगों को और स्टूडेंट्स को सर्व कर रहा है, स्पेशली IELTS, PTE, स्टूडेंट वीज़ा, ताकि वो अपने सपने और अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी और कोर्सेज़ के लिए बाहर जा सकें। तो कहीं ना कहीं हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अम्बाला में अब बच्चों के लिए बहुत से अच्छे ऑप्शंस लेके आए हैं, जहाँ पर उनको बहुत अच्छे ट्यूटर्स, हमारे जो ट्रेन ट्यूटर्स हैं पिछले 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर उनको IELTS, PTE और स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग देंगे। कहीं ना कहीं हम बच्चों को इस IELTS और PTE ट्रेनिंग के साथ साथ वीज़ा के लिए भी उनको बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम से उनको गाइड करेंगे, ताकि वो अपनी चीज़ों को बहुत टाइमली प्लान कर सकें। हम 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए स्पेशलाइज्ड, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, US, UK और न्यूजीलैंड और जर्मनी, इन 6 कंट्रीज़ में हम बहुत स्पेशलाइज्ड वे से पिछले 10 से 15 सालों से इन कंट्रीज़ में वीज़ा बच्चों का लगवा के उनको वहाँ अच्छी शिक्षा के लिए भेज रहे हैं। तो यानी दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि अब अम्बाला और इसके आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना भविष्य उज्जवल ही समझें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको जितना पॉसिबल हो सके ट्रांसपेरेंट वे से, ट्रस्ट से एक कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे सकें। अभिषेक जी, अभी हाल ही में जो कोविड से तकरीबन सभी वर्ग निकले हैं और पूरा देश निकला है, तो कोविड के चलते काफ़ी रूरल एरिया में, खासकर अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जो दिक्कत है उससे जूझना पड़ रहा है, लेकिन वो विदेश जाकर स्टडी करना भी चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए चैतन्य ग्रुप किस तरह से हेल्प कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है सर। कोविड ने सच में बहुत फाइनेंशियली लोगों को हिट किया है और चैतन्य की यही कोशिश रहेगी कि स्टूडेंट्स को हम किसी ना किसी तरह लोएस्ट बजट में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन करवा सकें और उनका वीज़ा लगा सकें। हम कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस में कम बजट के साथ बाहर सेटल कर सकें, इस चीज़ के लिए हमारा बहुत ध्यान रहेगा और कहीं ना कहीं हम पिछले सालों में भी हमने बहुत कोशिश की है और कोविड में स्पेशली हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवा सकें हम कॉलेजेस से और बच्चों को स्टे के लिए कुछ हेल्प कर सकें। आइस प्रिपरेशन में हम उनको कुछ डिस्काउंट दे सकें। आइस रजिस्ट्रेशंस में हम जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है स्पेशली हम अम्बाला में स्टूडेंट को 400 से 500 रुपये पर स्टूडेंट डिस्काउंट दे रहे हैं एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन में। अभिषेक जी, जैसा कि आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, कुदरती बात है कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट तो जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं आइल्स क्लासेस को, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट को काफ़ी बार देखने में आया कि उन्हें इंग्लिश समझने में या बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो उसके लिए, उनके लिए ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वीक है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है? कहीं ना कहीं ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छे स्कूल से नहीं होता है, तो हमने बहुत सिस्टमेटिकली अपने कोर्सेज़ को प्लान किया है ताकि स्टूडेंट्स को हम बेसिक लेवल पे बहुत अच्छे लेवल से प्रिपेयर कर सकें। और हमने अपने क्लासरूम साइज़ को बहुत छोटा रखा है। अम्बाला में हमारा जो स्टूडेंट फैकल्टी क्लासरूम रेशो होगा वो सिर्फ 1:20 होगा, ताकि हम बच्चों को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर सकें और उन पे वीक पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा काम कर सकें। तो आर्ट्स या किसी भी बैकग्राउंड स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका टीचर और उनके ट्यूटर्स इस तरह उन्हें सपोर्ट करें कि वो अपने आप को ईजिली आईएएस में स्ट्रॉन्ग प्रूव कर सकें। सर, आईएएस होगी, पीटी होगी, रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स विदेश भी जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप वीज़ा लगवाने में या फिर पीआर लगवाने में, तो वहाँ पे चैतन्य किस तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प करता है? आईएएस से लेके स्टूडेंट के उस कंट्री में इनिशियल स्टे और सेटलमेंट तक चैतन्य हर कदम पे स्टूडेंट के साथ रहता है और स्टूडेंट के अभिभावक जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी तरह ही काम करता है। मतलब हमारे लिए हर बच्चा हमारा अपना बच्चा है, जिसे हमें उसे इस तरह सपोर्ट करना है कि कहीं ना कहीं उसको यहाँ से वो दूसरी कंट्री, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, हम किस तरह मदद कर सकते हैं। चाहे वो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे क्लोजली एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, या वहाँ के जो हमारे एलुमिनी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पिछले 10 से 15 सालों में स्टूडेंट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, सेटल हैं, हम उस नेटवर्क के ज़रिए उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को यहाँ से वहाँ तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से वो परेशान हो। अभिषेक जी, अभी हम बात कर रहे थे कि आर्ट्स स्टूडेंट की। आर्ट्स स्टूडेंट आइल्स भी कर लेता है और विदेश जाकर वो वहाँ पे किस स्ट्रीम में सक्सेसफुल हो सकता है? कौन कौन से स्ट्रीम ऐसे हैं जहाँ पे वो जाके अपना काम कर सकता है या सक्सेसफुल हो सकता है? बहुत से ऐसे टेक्निकल फील्ड हैं, या आप ये लेके चल सकते हैं कि स्किल्ड फील्ड हैं जहाँ पे आर्ट्स के बच्चे जा सकते हैं। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन है जो ये सेम फील्ड है, एडवर्टीज़मेंट है और ह्यूमैनिटीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री है, रिजॉर्ट मैनेजमेंट, टूरिज़म मैनेजमेंट, और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को और अपने पिछले एजुकेशन बैकग्राउंड या सब्जेक्ट्स को देखते हुए हम उसको उसी से मिलते जुलते कोर्सेज़ हम उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी करियर ऑप्शन नहीं है, बशर्ते स्टूडेंट प्रॉपर प्लान करे कि उसका इंटरेस्ट क्या है और कहीं ना कहीं उसे किस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मोर देन 20 से 30 करियर ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो ईजिली जा सकता है और सेटल हो सकता है। अभिषेक जी, हम जहाँ से आइल्स करवाते हैं, पीटी करवाते हैं या फिर पीआर के लिए भी पूरी हेल्प करते हैं, तो किस कंट्री में हम अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ से आइल्स या पीटी करके निकलते हैं कहाँ भेजते हैं उन्हें? और हम 6 मेजर कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड और जर्मनी। ये 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं, मेजरली ऑल इंग्लिश कंट्रीज़, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाना भी पसंद करते हैं और वहाँ पे हमारी इंडियन कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से हम इन 6 कंट्रीज़ का सारा रिक्रूटमेंट, स्टूडेंट एडमिशन से लेके स्टूडेंट वीज़ा तक का प्रोसेस देखते हैं। तो ये थे हमारे साथ चैतन्या कैरियर कंसल्टेंट्स के एमडी अभिषेक शर्मा जी, जिन्होंने आज हमारे साथ विस्तृत चर्चा की। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एग्ज़ाम फ़ी में वो स्पेशल तौर पर स्टूडेंट्स को 400 से 500 रुपये तक का कंसेशन भी दे रहे हैं। तो यदि आप भी विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं, आपने आइल्स करनी है, पीटी करनी है, किसी भी तरह की आपने अगर स्टडी करनी है, तो आप भी एक बार चैतन्या आइए। यहाँ ब्रांच खुल चुकी है अम्बाला शहर के मॉल टाउन में, और एक बार ज़रूर यहाँ पहुँच कर आप अपना भाग्य आजमाइए।